जैसा आपने भी देखा अंदर जो पेशेंट था तौसीफ जिसका नाम है, शादी मर्ग कैंप में उसको बुला के लेके गए। इसके फादर की ऑलरेडी मिलिटेंटों ने उसको मार दिया है कई साल पहले। इसका भाई आर्मी में है और जुलाई से लापता है और मेजर शुक्ला ने इसको आर्मी कैंप में बुला के ले गए जैसे कि बता रहा था। वहां आपने देखा इसकी इतनी पिटाई हुई है और इसको ये कहा गया है कि हम गले में बंदूक डाल दो और हम आपकी फोटो लेना चाहते हैं, अगर आप बंदूक नहीं डालेंगे तो मैं अपनी बंदूक डाल के आपका एनकाउंटर कर दूंगा। तो मेरा ये मानना है कि मेजर शुक्ला के बारे में ये बताया जाता है कि वो बहुत ही बहादुर सिपाही है, तो ये कैसा सिपाही है जो इतना ऐसा है कि अपने ही बच्चों को हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले लड़कों के साथ इतनी ज्यादा जाति और जुल्म करके उसको तो बहादुरी नहीं कहते हैं। इस तरह बुला के लेना कैंप पे, उस तरह इतनी मारपीट करना कि ये बच्चा जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया, इसका भाई भी लापता है, पिछले कई महीने से उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नर साहब इसका नोटिस लेंगे, जो आर्मी के चीफ है इसका, यहाँ जो कोर कमांडिंग साहब है इसका नोटिस लेंगे और ये जो अजय शुक्ला मेजर है उनसे पूछताछ हो कि भाई आपने इस बच्चे के साथ इतना जुल्म क्यों किया, इसकी इतनी पिटाई क्यों की। मैम, इससे पहले मेजर कोबरे का वाका हुआ, क्या आप आर्मी चीफ से इसके बारे में एक्शन चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कोर कमांडर साहब से बात करूंगी यहाँ से जाने के बाद कि भाई ये जो मेजर शुक्ला है उनसे जवाबदेही होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह इस लड़के को इस तरह पकड़ के आर्मी कैंप में लेके और इसकी इतनी पिटाई की है कि ये मरने के तक पहुंचा हुआ है। और ऑलरेडी ये बच्चा यतीम है, इसका बाप नहीं है, दूसरा भाई आर्मी में काम करता है। अगर जिनके घर वाले आर्मी में काम करते हो, आर्मी में नौकरी करते हो, अगर उनके घर वालों के साथ यह हाल होगा तो एक आम कश्मीरी के साथ क्या हो सकता है। मैम, डॉक्टर से आपने बात की, डॉक्टर ने क्या कहा? मैम, अभी किस डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी उसको दो तीन दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा क्योंकि काफी उसकी पिटाई जो है, हालत उसकी ठीक नहीं है, काफी उसको जो है जख्म आए। मैम, सौ कश्मीर बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, शाम के 7 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते, इतना डर है, खौफ है लोगों में। अब उसको कैसे देखो क्योंकि फौज पे बहुत डर रहती है। फौज, ये तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम मिलिटेंटों की कमर तोड़ देंगे, तो जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है।